So, I was telling you what is the state of the function. A state of the function is a point in the process. And see, the point one is the characterized by the volume and the pressure. So, volume, pressure, entropy, these are the variable parameters. जिनसे तुम्हारा क्या होता है कि एक स्टेट ऑफ द फंक्शन कैरेक्टराइज होता है. स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड द स्टेट वेरिएबल्स आर योर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी, एंथैल्पी एंड द एंट्रोपी. सो स्टेट फंक्शन इज ऑल्सो ए प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड्स ऑन द ओनली द स्टेट ऑफ द सिस्टम, नॉट ऑन ओनली द पाथ ऑफ द सिस्टम. ठीक है. स्टेट फंक्शन बेसिकली इज ए फंक्शन विच डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट, पॉइंट वन एंड द पॉइंट टू. दीज आर योर प्रेशर एंड द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर ऑल्सो. सो दीज आर द बेसिक थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट इज योर द स्टेट ऑफ द फंक्शन, सॉरी स्टेट ऑफ द सिस्टम. सेकेंड इज योर द स्टेट 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 फंक्शन एंड सम फिजिकल प्रॉपर्टीज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट क्लास. सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज विच आर द इंडिपेंडेंट ऑफ द मासेज, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज विच आर द डिपेंडेंट ऑन द मास, लाइक मास, वॉल्यूम, एनर्जी, हीट कैपेसिटी एंड एंट्रोपी एंड द गिब्स फ्री एनर्जी. ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट ऑन द मास एंड दीज प्रॉपर्टीज आर कोल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. ठीक है. वी आर डिस्कस अबाउट द थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस. इन द आइसोथर्मल प्रोसेस योर टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट. इन एडियाबेटिक, सो ओके, इन एडियाबेटिक प्रोसेस योर प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड द वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट. इन द आइसोबैरिक प्रेशर इज कॉन्स्टेंट एंड आइसोबोरिक वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट. तो थर्मल इक्विलिब्रियम वी हैव डिस्कस अबाउट. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडाइनमिक्स. बेसिकली यो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज द डिपेंडेंट ऑन द कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी, कि तुम्हारी जो एनर्जी जो कन्वर्ज होती है. ओके, वेट वन मिनट. फर्स्ट लॉ बेसिकली एनर्जी का कंजर्वेशन है. सपोज करो तुम्हारे पास ना एक सिस्टम है, और अपन ने सिस्टम क्या लिया है, एक पिस्टन को एक अपन ने एक सिस्टम लिया है. अगर अपन क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अगर सिस्टम को प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये सिस्टम क्या करेगा, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में ये जो पिस्टन है ये मूव करेगा. इसका मतलब ये हो रहा है कि क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देने पर तुम्हारा जो सिस्टम है वो वर्क कर रहा है, मतलब कि सिस्टम बाय द वर्क. तो अपन यहाँ पे ना एनर्जी का कंजर्वेशन लगाएंगे. एनर्जी का कंजर्वेशन लगाने पे अपने पास क्या होता है कि देखो, जो एनर्जी का जो कंजर्वेशन होगा, देखो अपन ने क्यू अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी प्रोवाइड करवाई. ठीक है. जो वर्क डन होगा, ठीक है, वो सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम. तो वर्क डन बाय द सिस्टम जब होता है तो क्या होगा, माइनस, और वर्क डन ऑन द सिस्टम प्लस होगा. ऐसे ही हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, जब अपन हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो तुम्हारे पास क्या होगा, हीट का जो अमाउंट होगा वो पॉजिटिव होगा, और माइनस कब होगा, जब हीट लिबरेट होगा. तो इन दिस केस द एनर्जी कंजर्वेशन इज इक्वल टू योर इंटरनल एनर्जी, चेंज इन टू द इंटरनल एनर्जी. ओके. जब अपन ने इंटरनल एनर्जी का डिस्कशन किया था तो अपन ने बताया था कि इंटरनल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो तुम्हारी एक किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर, अंदर की एनर्जी होती है. इंटरनल एनर्जी के अंदर यू कैन काउंट योर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन एवरी काइंड ऑफ एनर्जी डेट ए पर्टिकुलर सब्सटेंस हैव. सो तो दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. जो फर्स्ट लॉ ऑफ जो थर्मोडाइनमिक्स है वो बेसिकली
एनर्जी कंजर्वेशन पे वो बताता है कि किसी भी सिस्टम में कि जो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होगा वो कितना अमाउंट तुमने प्रोवाइड करवाया और कितना अमाउंट उस पे सिस्टम पे वर्क हुआ। एक दूसरा प्रोसेस देखो, दूसरे प्रोसेस में क्या होगा, तुमने ना पिस्टन पिस्टन पे वर्क करवा दिया। जब तुम पिस्टन पे वर्क करवा रहे हो तो अंदर की जो गैस होगी वो कंप्रेस होगी, और कंप्रेस होने की वजह से एक टेम्परेचर इंक्रीज होगा और सराउंडिंग में हीट का लिब्रेशन होगा। इन दिस केस यू विल टेक क्यू क्यू माइनस हीट लिबरेटेड बाय द सिस्टम। सो इन दिस केस द चेंज इन द हीट एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सो क्यू इज इक्वल टू माइनस एंड डब्ल्यू डब्ल्यू होगा तुम्हारा प्लस। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, दिस इज योर द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडाइनमिक्स। नाउ देखो एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या होती है कि एंथैल्पी किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर तुम्हारी किसी भी सिस्टम में कितनी हीट स्टोर्ड है उसको अपन बोलते हैं एंथैल्पी, द अमाउंट ऑफ हीट स्टोर्ड इन द सिस्टम अंडर द पर्टिकुलर कंडीशंस। तो ये तुम्हारा हो गया एंथैल्पी। देखो ये अपना ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, चेंज चेंज इन टू द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम एंड द वर्क डन ऑन द सिस्टम, सॉरी वर्क डन बाय द सिस्टम। सो अब अपन ने बताया कि एंथैल्पी जो तुम्हारा होता है वो एक सिस्टम के अंदर हीट कितनी हीट स्टोर्ड है। अगर देखो अपन ने जब किसी भी सिस्टम को क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी क्यू अमाउंट, तो अपन ने क्यू की जगह अपन ने लिख दिया एच। अब जब वर्क डन बाय द सिस्टम, कि यू ऑल नो दैट द वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड टू वॉल्यूम। सो वर्क डन इज सर, आपकी वॉइस ओके यार एक वॉइस मिनट। लैग कर रही है सर आपकी। ओके ओके नाउ इज इट ओके। हेलो हाँ सर, ओके ओके सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडाइनमिक्स एंड द एंथैल्पी। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडाइनमिक्स एंड एच इज योर एंथैल्पी। तो अपन जब किसी भी सिस्टम को क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करवाते हैं तो अपने पास वो क्यों जो क्यों अमाउंट ऑफ द हीट होगा अपने एंथैल्पी के इक्वल टू होगा, क्योंकि एंथैल्पी की जो तो डेफिनेशन है वो यही होती है कि किसी भी सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर की जाती है, सॉरी कितनी हीट, एनर्जी नहीं कितनी हीट स्टोर होती है एट ए पर्टिकुलर कंडीशन। जब अपन वर्क डन बाय द सिस्टम की बात करते हैं तो वर्क डन है ना प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा माइनस होगा और वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा प्लस होगा। सो जो वर्क डन की जगह अपन ने पीवी अगर पुट करते हैं तो वी विल गेट दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, एंड आफ्टर दैट वी विल गेट एंथैल्पी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर एंड इनटू वॉल्यूम। सो दिस इज द योर डेफिनेशन ऑफ द एंथैल्पी। सी एंथैल्पी इज द ही अमाउंट ऑफ हीट स्टोर्ड इन ए सिस्टम एट ए पर्टिकुलर कंडीशन। सो एच इज योर एंथैल्पी विच इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी प्लस द पी मल्टीप्लाई बाई वी। सो वट इज द चेंज इन टू द इंटरनल एंथैल्पी, दिस इज योर द चेंज इन टू द इंटर एंथैल्पी एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर।
So for the reaction, okay, PV is equal to nRT, you all know that. So we simply put the PV is equal to nRT. So this is your enthalpy. So basic enthalpy is a basic thing, and it is very important for the better understanding of the second law of thermodynamics. So if you have any doubt, please ask me. So what is the heat capacity? So heat capacity is the amount of energy required to increase 1 degree Celsius temperature of a system. Kisi bhi system ka 1 degree Celsius temperature increase karne ke liye apne ko jitni bhi amount of heat ki aavashyakta hoti hai, wo heat capacity hoti hai. It is basically denoted by the CH. On the slide you can see that the CH is equal to Q divided by delta T. Delta T is the temperature difference, and the Q is the required heat energy. So what is the unit of the heat capacity? Unit of the heat capacity is the joule per degree Celsius. So this is the heat capacity, and heat capacity is the extensive property which depend on the mass. Suppose you have two liquid, one liquid is the 100 gram liquid and the second liquid is the 200 gram liquid. The both liquid are the same and the chemical composition also same. So tumhe na 100 in dono ka temperature 1 degree increase karna hai, to 200 gram wale ke liye tumhe zyada energy ki required hogi और 100 ग्राम वाले के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. तो बेसिकली इट इज़ द डिपेंडेंट ऑन द मास. सो योर द हीट कैपेसिटी इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. तो सेकंड इज योर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर 1 degree Celsius ऑफ 1 kg सब्सटेंस. कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, 1 kg का, उसका टेम्परेचर तुम्हें 1 degree Celsius इंक्रीज करना है. इसके लिए तुम्हें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एंड दिस इज योर हीट कैपेसिटी सी. ठीक है, सी एस इज योर द हीट कैपेसिटी. इट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई एम इज योर मास, डेल्टा टी इज योर टेम्परेचर डिफरेंस, एंड द यूनिट इज जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. सी एम इज योर द मोलर हीट कैपेसिटी. मोलर हीट कैपेसिटी इज द डिफाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 degree ऑफ ए सिस्टम, सॉरी ऑफ ए सब्सटेंस. तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो गया तुम्हारा, कोई भी सब्सटेंस है जिसका 1 mole का तुम्हें 1 degree टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो कितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट तुम्हें होगी. सो देखो ये तुम्हारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास. तो क्यू इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर्ड इन द जूल्स, एम इज योर मास, एंड द सी इज योर हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, टी डेल्टा टी इज योर टेम्परेचर चेंजेस. तो मोलर हीट कैपेसिटी, सो मोलर हीट कैपेसिटी अपन ने डिस्कस कर लिया. तो मोलर हीट कैपेसिटी एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड द कॉन्स्टेंट temperature, sorry, constant pressure and the constant volume. As a constant volume CV and the constant pressure is equal to CP. So ये basic relation है जो तुमने 12th में पढ़ा होगा, CP minus CV is equal to R. For the monoatomic gas, your the CP is equal to 5/2 into R, and the diatomic gas is equal to 7/2 into R, and the for triatomic gas is it is equal to 4R. So ये सब 12th के है, तुम्हें तुम NCERT से देख लेना अगर तुम्हें इनके बारे में नहीं पता होता. दीज आर द बेसिक थिंग्स. तो रेशियो ऑफ द मोलर हीट कैपेसिटी, सो रेशियो ऑफ द CP एंड CV इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मोलर हीट कैपेसिटी. So these are the basic formulas. ठीक है, ये नीचे वाले ये डेरिवेशन है, इनके डेरिवेशन तुम्हें अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो तुम. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, सी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. दैट प्रोसेस दैट आर
कंप्लीटेड बाय इट्स ओन, जो अपने आप हो जाते हैं ऐसे प्रोसेस, या फिर उनको ना कुछ स्लाइटली पुश की आवश्यकता होती है, ऐसे प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल पानी है, पानी में तुमने नमक घोल दिया, ठीक है, ये एक प्रोसेस हो गया। तुमने ना कुछ नहीं, सिर्फ नमक डाला अपने आप घुल गया, चीनी डाली अपने आप घुल गया, ठीक है। कोई बॉल है, ठीक है, बॉल तुम्हारे ना कोई हिल है, तुमने हिल से कोई बॉल छोड़ दी, झरने से पानी गिर रहा है, ये सब ना तुम्हारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होते हैं, और दूसरी डायरेक्शन में ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सपोज तुमने ना कोई बॉल है, वो बॉल ऊपर से नीचे तो आ गई, लेकिन उस बॉल को ना तुम अपने आप नीचे से ऊपर तक नहीं चढ़ा सकते। एक नदी है, नदी अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम फ्लो करती है। कभी तुमने देखा है कि पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये इन नेचुरल प्रोसेस है। तो इन प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। तो स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस हो गया, देखो जो अपने पास जितने भी फिजिकल और केमिकल जो रिएक्शन होती है ना, वो एनर्जी के साथ कंप्लीट होती है, या तो वो एनर्जी लिबरेट करेगी या फिर वो एनर्जी एब्जॉर्व करेगी। तो ऐसे प्रोसेस, ठीक है, जो स्पॉन्टेनियस होते हैं उनमें हमेशा जो एंथैल्पी का जो चेंज होता है वो नेगेटिव होता है। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर एंथैल्पी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच योर एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव। तो एंट्रोपी, देखो एंट्रोपी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है, एक सूट ऑफ वेरिएबल पैरामीटर्स है, ठीक है, जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को करेक्टराइज करता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के लिए तुम्हें एक तो एंथैल्पी, सेकेंड इज द एंट्रोपी बहुत ही क्लियर होना चाहिए। एंट्रोपी कुछ नहीं है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस में ना रैंडमनेस कितनी है, ठीक है, उस रैंडमनेस का मेजर तुम्हारा एंट्रोपी होता है। लाइक सी, देखो सॉलिड है, सॉलिड में जो मॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही पास होता है, सॉलिड बहुत स्टेबल होता है, तो सॉलिड की जो एंट्रोपी होगी वो सबसे बहुत ही कम होगी, ठीक है। ऑन द अदर साइड गैस, गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, दूर दूर होने की वजह से ना, जैसे तुम गैस को ना एटमॉस्फेयर में छोड़ोगे ना, ये रिलीज हो जाएगी, ठीक है, दिस इज योर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और रिलीज होने के बाद, ठीक है, क्योंकि इसमें ना रैंडमनेस बहुत ज़्यादा है, जैसे लिक्विड में ना रैंडमनेस थोड़ी कम होती है गैस से, क्योंकि अगर लिक्विड को किसी भी तुमने ना ग्लास में कहीं भी किसी में भी रख दिया, ठीक है, तो वो रखा रहेगा, लेकिन जैसे ही ना थोड़ा सा इसको ना कोई मूवमेंट मिलेगा ना, तो ये बहना स्टार्ट कर देगा। इसलिए इसकी भी जो रैंडमनेस होती है वो गैस से कम होती, सॉरी सॉलिड से ज़्यादा होती है और गैस से कम होती है। तो दिस इज द रैंडमनेस, तो इसको ना अपन एंट्रोपी बोलते हैं। देखो अगर तुम किसी भी सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हो तो एंट्रोपी क्या होगी, तुम्हारी इंक्रीज होगी, वो लिक्विड में बदल रहा है, लिक्विड में बदल रहा है, और लिक्विड में क्या होता है तुम्हारा एंट्रोपी इंक्रीज होती है। और जैसे ही तुम्हारा जो लिक्विड है, लिक्विड को अगर तुम सॉलिड में चेंज करते हो, जैसे पानी से तुम बर्फ़ बनाते हो, तो एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि सॉलिड बन गया, सॉलिड बनने से मॉलिक्यूलर जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास आ जाएंगे, और पास आने से उनकी रैंडमनेस ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही तुम्हारा है कि गैस से तुम लिक्विड में चेंज कर रहे हो, ठीक है, गैस बदल रहा है तुम्हारा लिक्विड में, लाइक कंडेंसेशन कर रहे हो, तुम किसी भी गैस को कूल कर रहे हो, कूल करने से वो गैस तुम्हारी लिक्विड में बदल रही है, तो एंट्रोपी यहाँ पे तुम्हारी डिक्रीज हो रही है। डिपेंडिंग फैक्टर्स, ठीक है, ये दो चीज़ पे डिपेंड करती है, एक तो हीट पे, एक टेम्परेचर पे। देखो किसी भी सब्सटेंस को तुम हीट कर रहे हो, ठीक है, हीट करने से क्या होगा, उसमें ना गैस ही मान लो, अगर गैस को तुम हीट कर रहे हो, हीट करने से क्या होगा, तुम्हारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मतलब इधर उधर भागेंगे, ठीक है, और उनकी रैंडमनेस इंक्रीज होगी। टेम्परेचर दोगे इसीलिए तुमके ना, अगर तुम्हारे एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर का टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाता है, उसकी तरह रैंडमनेस इंक्रीज हो जाती है। सो इट इज़ डिनोटेड बाय द एस, ठीक है, इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, द चेंज इनटू द एंट्रोपी, ठीक है। सो इट इज़ इंटीग्रेशन डेल्टा क्यू, योर मतलब
क्यू इज योर हीट प्रोवाइडेड या हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड टी इज योर एट द पर्टिकुलर टाइम टेम्परेचर. सो डेल्टा एस चेंज इन द एंट्रोपी इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल एंड डिवाइडेड बाय टी. दिस इज योर रिलेशन. सो दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ द एंट्रोपी. एंट्रोपी इज नथिंग जस्ट बट रैंडमनेस, रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, रैंडमनेस ऑफ द सब्सटेंस. सो देखो अब वी हैव सम लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ. ठीक है, इन लिमिटेशंस की वजह से या हमारे यहाँ जो जो सेकेंड लॉ है उसका इंट्रोडक्शन अपन ने लिया. तो लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ क्या है कि जो हीट है ना, हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ही फ्लो कर सकती है. तुमने कभी देखा है कि कभी तुमने एक एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, एक दूसरी बॉडी है जिसका 0 डिग्री सेल्सियस है, दोनों को टच करवाया तुमने और देखा कि जो गर्म वाली थी वो 200 डिग्री सेल्सियस हो गई और ये माइनस 100 डिग्री सेल्सियस हो गया. तो ऐसा कभी फ्लो नहीं होता है. तो जो पहला जो लो है, जो फर्स्ट लो, वो बताता है कि एनर्जी कंजर्वेशन. ठीक है, तुमने 100 डिग्री सेल्सियस से तुमने जब दो बॉडीज को टच करवाया तो उनका जो टेम्परेचर है वो 50-50 हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा. ठीक है, तो लेकिन जब जब किसी तुम्हारे पास कोई दो बॉडी है जिनका टेम्परेचर 50-50 डिग्री सेल्सियस है, अगर उनको टच करवा के रखोगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए और दूसरे का 0 डिग्री बन जाए? तो फर्स्ट लॉ ने यह बताया कि तुम्हारी एनर्जी कंजर्वेशन कंजर्व रहेगी पहले प्रोसेस में भी और दूसरे प्रोसेस में भी. ठीक है, लेकिन तुम्हारा क्या हुआ कि इस डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस नहीं बताया कि इस प्रोसेस का डायरेक्शन किस हिसाब से होगा, कि ये प्रोसेस पॉसिबल भी होगा कि नहीं होगा. सपोज मैंने अपने हाथों को रब किया, रब करने से क्या हुआ, मैंने वर्क किया और वर्क से क्या हीट जनरेशन हुई. देखो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या हुआ, एनर्जी कन्वर्ज हो रही है. मैंने वर्क किया, वर्क ट्रांसफर होके आई हीट में. जब मैं अपने हाथों को हीट दूंगा, जैसे मैंने मोमबत्ती से अपने हाथों को हीट दिया, तो क्या वो हीट वर्क में बदल जाएगा? नहीं बदलेगा. तो फर्स्ट लॉ के अंदर यही लिमिटेशंस थी कि वो ये नहीं बता पाया कि प्रोसेस किस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, प्रोसेस पॉसिबल भी होगा या नहीं होगा. ठीक है, हीट फ्लो ना कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में नहीं होती. ठीक है, और ये सब ना हीट यहाँ पे एनर्जी कंजर्व है सिर्फ, ये प्रोसेस का डायरेक्शन और प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं है ये नहीं बता पाया. देखो और एग्जांपल देखो, झरने से गिरता हुआ पानी नीचे आ रहा है, क्या वो पानी ऊपर आ सकता है? वो पानी अपने आप गिर रहा है. ठीक है, तुम्हारे एक चैम्बर है, एक चैम्बर में तुमने दो कंपार्टमेंट है ए एंड बी. कंपार्टमेंट ए में एक गैस है, कंपार्टमेंट बी में दूसरी गैस है. तुमने कंपार्टमेंट खोल दिया, ठीक है, तो गैस मिक्स हो गई. क्या अब ये गैस फिर से अगर तुम कंपार्टमेंट लगा देते हो तो फिर से वैसी हो जाएंगी? नहीं हो पाएंगी. तो ये सारे एग्जांपल है, ये तुम्हारे ना एनर्जी कंजर्वेशन बताते हैं. लेकिन जो दूसरा जो तुम्हारा जो फर्स्ट लॉ है वो पूरा लॉ नहीं है जो इन प्रोसेस को बताता है, जो तुम्हारा डायरेक्शन गवर्न नहीं करता, तुम्हारे प्रोसेस पॉसिबल है ये नहीं बताता. इसलिए अपन आते हैं सेकेंड लॉ थर्मोडाइनमिक्स पे. ठीक है, ये एंट्रोपी पे बेस है. ठीक है, कि प्रोसेस किस डायरेक्शन में जा रहा है इसको गवर्न करता है, प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं इस चीज़ को बताता है. ठीक है, ये ना स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के की बात करता है. ठीक है, वही प्रोसेस होते हैं कि अभी मैंने बताया कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, कि हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में फ्लो नहीं कर सकती, सिर्फ हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में फ्लो कर सकती है. तो इन इस टाइप की जितने भी तुम्हारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उनको समझाता है. यहाँ तक कि स्टीफन हॉकिंस ने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में ये तक कहा था कि ये एक ऐसा लॉ है ना, ये पूरे यूनिवर्स को डिस्क्राइब करता है. सो इट इज़ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज डिपेंडेंट ऑन द मास, ये मास पे डिपेंड करती है. ठीक है, ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स का ये है कि ये स्टेट वेरिएबल्स प्रेशर और टेम्परेचर वॉल्यूम एक्सेट्रा इन सब पे डिपेंड करती है. तो जो पहला जो स्टेटमेंट था जो सेकंड लॉ
थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला स्टेटमेंट है वो ये है, पहला स्टेटमेंट कि जो यूनिवर्स की जो तुम्हारी एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। मान लो कोई भी प्रोसेस हो रहा है, कोई भी ऐसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से तुम्हारी यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो रही है। मान लो तुम कोई पानी गिर रहा है, ठीक है, तुमने आज ही कोई चीज़ गिरा दी, ठीक है, उसकी वजह से तुम्हारी ना एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तुम न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, ठीक है, अब रेडियो एक्टिव डीके में क्या होगा, जो जो तुम्हारे जो डीके में क्या होगा, स्टेबल पार्टिकल्स बनेंगे, ठीक है। ये भी एक तरह का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो पहला स्टेटमेंट है वो ये है कि तुम्हारी यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो बढ़ रही है, वो एवरी टाइम इंक्रीज होती रहती है। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो ये है तुम्हारा, चेंज इन द एंट्रोपी इन द यूनिवर्स इज इक्वल टू चेंज इन द एंट्रोपी इन द सिस्टम प्लस द चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। ये तुम्हारा सेकंड स्टेटमेंट है। कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम की अगर एंट्रोपी चेंज हो रही है, ठीक है, और तो उसके जो सराउंडिंग जो एंट्रोपी चेंज हो रही है वो यूनिवर्स की एंट्रोपी के इक्वल हो गई। ये तुम्हारा सेकंड वो है। देखो जितने भी तुम्हारा वर्क है ना, वर्क को अपन हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हीट है वो उसको वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, मैं अगर अपने हाथों को रब करूँगा तो वर्क का कन्वर्ट हो रहा है हीट में, लेकिन जब मैं अपने हाथों को मोमबत्ती पे या फिर किसी हीट की स्ट्रीम पे रखूँगा तो मेरे हाथों को हीट मिलेगी। तो मेरे हाथों को हीट मिलने से वो वर्क में नहीं बदल रही है। तो यहाँ पे ना तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स फेल होता है और अपन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनिक्स में जाते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनिक्स के ये दो स्टेटमेंट होते हैं कि क्लासियस स्टेटमेंट और केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट, दोनों एक ही चीज़ बताते हैं कि हीट जो फ्लो है वो कोल्ड बॉडी से लेके हॉट बॉडी में नहीं ट्रांसफर हो सकती। आइडियली अगर अपन कह भी दें कि देखो कि अगर आप अपन ने किसी दो बॉडी को टच करवाया, एक का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, एक का 0 डिग्री सेल्सियस था, तो यहाँ पे अगर कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो जो हॉट बॉडी होगी वो 200 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी और जो कोल्ड बॉडी होगी वो ना -100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। तो ये ना एनर्जी तो कंजर्व हो रही है लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इन सब के लिए अपन ने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को चुना है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि अपन ने जो स्टेटमेंट दिया वो सही भी है या नहीं है। सपोज देखो, एक चाय है, चाय का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, और ये ना ये क्या नॉर्मली क्या होता है कि हीट लिबरेट करेगी ये सराउंडिंग में, लेकिन अपन ये मान के चल लेते हैं कि ये जो 10 जूल जो एनर्जी है वो ये ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है। जब ये ऑब्जर्व करेगी तो अपना जो अपन क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या लिखेंगे, अपने पास जो एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी अपने पास होती है क्यू अपॉन डेल्टा, सॉरी डेल्टा क्यू अपॉन टेम्परेचर। तो अपने पास 10 जूल जो एनर्जी थी वो क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई से बाई सिस्टम, और 45 इसका टेम्परेचर है, अपन ने केल्विन में कन्वर्ट किया। जितना जितनी एनर्जी सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा उतना ही सराउंडिंग सराउंडिंग रिजेक्ट करेगा, एनर्जी कंजर्वेशन। तो -10 इज इक्वल टू 1। तो ये देखो, जो यूनिवर्स की जो तुम्हारी जो एंट्रोपी आ गई वो तुम्हारी यूनिवर्स की एंट्रोपी आ गई माइनस, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता। जो नेचुरल जो प्रोसेस है वो नेचुरल प्रोसेस क्या होता है कि तुम्हारा जो नेचुरल जो प्रोसेस है वो ये होता है कि चाय ना चाय जो सिस्टम है वो एनर्जी को लिबरेट करेगा ना कि एब्जॉर्ब करेगा। इन दिस केस मान के चलो 10 जूल एनर्जी को लिबरेट किया इसने, तो अपनी जो इक्वेशन होगी उस टाइम पे इक्वेशन क्या बनेगा, जब लिबरेट करेगा, जब लिबरेट करते हैं तो एनर्जी को माइनस से लिखते हैं। तो इस कंडीशन में ना चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स क्या होगी, तुम्हारी प्लस में आएगी, और ये एक वैलिड कंडीशन है। और यही अपन अपना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि यही बताता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी डे बाय डे बढ़ रही है, टाइम के साथ बढ़ रही है और ये हमेशा बढ़ती रहती है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना, अगर ना समझ में आए तो पूछ लेना। तो एक दो गिब्स फ्री एनर्जी होती है,
गिव्स फ्री एनर्जी, एंड नाम से ही स्पष्ट है कि एक एनर्जी होगी, एक ऐसी मैक्सिमम एनर्जी ऑफ सिस्टम, किसी भी सिस्टम की मैक्सिमम एनर्जी जिसको अपन वर्क प्रोड्यूस करने में यूज कर सकते हैं। अपने पास कोई एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर कुछ एनर्जी है, उस एनर्जी का भी वो पार्ट जो अपन वर्क प्रोड्यूस करने में यूज कर सकते हैं उसको ना गिव्स फ्री एनर्जी कहते हैं। ठीक है, किसी भी सिस्टम की जो गिव्स फ्री एनर्जी होगी ना वो एंथैल्पी एच माइनस टेम्परेचर और एंट्रोपी इसका प्रोडक्शन है, तो सॉरी इसका प्रोडक्ट है, इन दोनों का माइनस है, टेम्परेचर सॉरी एंथैल्पी एंड टेम्परेचर एंड एंट्रोपी इन दोनों का माइनस है, और गिव्स फ्री एनर्जी भी एक स्टेट फंक्शन है लाइक एंट्रोपी, ठीक है, लाइक प्रेशर, लाइक टेम्परेचर, दिस। सो तुम्हारा आज की क्लास में यही था थर्मोडाइनेमिक्स में, कल भी क्लास होगी जिसमें अपन ना लगभग लगभग कोर्स पूरा करवा देंगे थर्ड यूनिट तक। तो किसी को कोई पूछना है इसमें आज जो पढ़ाया? एनीवन एनी डाउट? सर सिलेबस क्या रहने वाला है थर्मोडायनेमिक्स? हेलो क्या? हेलो हाँ, सिलेबस क्या रहने वाला? सिलेबस यही होगा तुम्हारा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी तो दो ही क्लासें हुई है ना, तो ये दो क्लासें, कल की क्लास में जितना हो पाएगा वो, ठीक है, और बाकी आप नेहा मैम से पूछ लेना कितना क्या आएगा उनके सिलेबस। उनकी कितनी क्लासें हो चुकी हैं अभी तक? उनकी भी सर दो ही हुई है। हाँ तो उनसे पूछ लेना उनकी क्या होगा। मेरी क्लासेज में है वो तो बेसिक बेसिक है, मतलब मोस्टली पार्ट तुम्हारा 11th से और 12th से रिलेटेड है, कि मोस्टली टॉपिक तुम पढ़ चुके हो ये सब, मैं तो सिर्फ तुम्हें रिवाइज करवा रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा में आया तो मैं तुम्हें वो बता ही रहा हूँ। बाकी ठीक है, यही आएगा जो पढ़ाया है वो, ज़्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं इसमें कुछ। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर अटेंडेंस लेते हैं। ठीक है भावना? प्रेजेंट सर। भावना प्रेजेंट। दानिश? प्रेजेंट सर। दिलीप चौधरी? दिलीप गोपाल? यस सर। हेमंत? हेमंत एब्सेंट। हिमांशु? हिमांशु प्रेजेंट। ओके महिपाल सिंह? प्रेजेंट सर। महिपाल सिंह। जिनेश मेहता? जिनेश मेहता ओके नहीं है। मानसू? नाजमीन प्रेजेंट सर। ओके नाजमीन। प्राची? प्रेजेंट सर। पृथ्वी सिंह? प्रेजेंट सर। राहुल चौहान? प्रेजेंट सर। एंड ऋषिका? प्रेजेंट सर। सुरेंद्र? प्रेजेंट सर। रागाराम?
प्रेजेंट सर। ओके टागाराम विकास। यस सर। यस गहलोत। प्रेजेंट। यस गहलोत। युवराज। प्रेजेंट। ओके कोई बचा है सर? दिलीप चौधरी प्रेजेंट है। तुम क्लास में थे नहीं, तुमने बाद में ज्वाइन किया है दिलीप, तुम क्लास में एब्सेंट थे आज। ठीक है यू मे लीव नाउ। बट मेरे टाइमिंग तो देखो मैंने पहले से ज्वाइन कर रखी थी। हेलो अभी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से देख रहा हूं तो मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम। हां ठीक है मैं तुम्हारा प्रेजेंट लगा दूंगा लेकिन जाओ।